दोस्तों शाम का टाइम है, लगभग 5:55 हो चुका है। मैं हूं अभी सिलमटोली पर, देख सकते हो। सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल किशन बोरा ब्लॉग में। और देवभूमि की इन खूबसूरत घाटियों से आपको रूबरू कराएंगे और दिखाएंगे दियोनाई घाटी की खूबसूरत जो गाँव है, सिलंगतोली, बनतोली, हड़बगड़, कफलडुंगा और रणकुड़ी से ऊपर है रोटनी गाँव लास्ट में। और ये मैं हूँ सिलंगतोली पर खड़ा हूँ और इसके ठीक सामने आपको दिखाऊंगा, इसके पीछे है हॉस्पिटल, ये सामने हॉस्पिटल है। मैं हूँ रोड में यहाँ पे और ये रोड का काम चल रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो। इसमें सोलिंग होने वाली है और डामर होने वाला है और इसके ठीक पीछे चल रहा पुल का काम। आपको ले चलते हैं, अभी दिखाते हैं कि कैसे युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा। चले चलते हैं। तो दोस्तों ये है शाम का टाइम, आप देख सकते हो कितना बेहतरीन और खूबसूरत मौसम बना हुआ है। और मेरे ठीक पीछे देख सकते हो इतना बहुत बड़ा एक सेरा है जिसमें गेहूं, आपको पूरे गेहूं मिलेंगे और कुछ गेहूं और कुछ जौ जो है ना पीले भी हो चुके हैं और सरसों में भी जो है जो फूल होता था बीज निकल चुका है। अब वो जो चीज़ थी वो अब बीज में बदल गई है। और पीछे बनतोली गांव दिख रहा, बहुत बड़ा गांव है, पूरा हरा भरा, उसके टॉप में है रणकुड़ी गांव। और इधर से आपको दिखाएंगे मेरे पीछे जो है पूरा हिठाड़ से लेकर दियोनाई घाटी का पूरा एक बहुत बड़ा सेरा ये है। ये फेमस सेरा है, बहुत बड़ा और बहुत अच्छे मात्रा में यहाँ पर अनाज होता है। तो ये है दोस्तों यहाँ का जो खेत है, खेती के बारे में और ये तमाम जो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य दृश्य, जो प्राकृतिक दृश्य है ना वो आपको दिखाने का प्रयास में जो कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि क्या क्या यहाँ पर चल रहा है। पुल का काम चल रहा, पुल का काम चल रहा, तमाम सारे काम चल रहे हैं। आगे 3 किलोमीटर तक फिर इसमें डामरीकरण का था, वाल्दे तक तो डामरीकरण का हो गया और इसमें रिठाड़ तक सोलिंग जो कच्ची लाइन थी 1.5 किलोमीटर वो उसमें सोलिंग का काम हो चुका है, कुछ आधे में हो चुका, आधे में अभी और हो रहा है दोस्तों। आपको दिखा ले चलते हैं पीछे क्योंकि अभी धीरे धीरे निकलते हैं और दिखाते हैं कि कितना काम हो गया है और कितना अभी और होना है। बहुत सारे यहाँ पर लेबर मजदूर तमाम लोग लगे हुए हैं, दिखाते हैं। यहाँ पर है एक दुकान है, महेश की दुकान, यहाँ पर बहुत सारे मजदूरों का डेरा है, यहाँ पर ही रहते हैं वो लोग। और ठेकेदार, तो ये है दोस्तों ये रोड, जिस रोड में चल रहा अभी कंस्ट्रक्शन, अभी इसमें नीचे गिट्टी होनी है, डामर होना है, उसके बाद इसके ठीक सामने पुल का काम चल रहा। बहुत बड़ी पुल यहाँ पर बन रही है जो 5 या 6 गांव को जोड़ती है। और इसके ठीक सामने है इंटर कॉलेज बनतोली, उसके ऊपर आप देख सकते हैं रिठाड़ है, उसके पल्ली तरफ है सरोली, उसके पल्ली तरफ है फिर भतड़िया, भतड़िया के बाद आ जाता है दुनिया, दुनिया के बाद डुंगलो, डुंगलो कौसानी को ये पूरा जोड़ता है। और ये है बहुत बड़ा सेरा इस इलाके का, आप देख सकते हो। शाम का टाइम है 5:55 के आसपास, 5:55 के आसपास का टाइम है और देख सकते हो किस तरीके का मौसम बना हुआ। आकाश में बादल बिल्कुल चमाचम ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी मेघ बरसने वाला हो, तो इस तरीके का मौसम बना हुआ है दोस्तों। बहुत खूबसूरत और गजब लग रहा है। और ये ठीक सामने ये चल रहा है पुल का काम, ये देख सकते हो ये पुल अपार्टमेंट, एक अपार्टमेंट लगभग बन चुका है, थोड़ी बहुत एक दो तीन दिन का काम और रह गया है इसमें, बाकी गवर्नमेंट तैयार है उधर सामने वाली, अब इधर वाली रह गई है, ये भी 1-2 महीने रहेंगे, 2 महीने में ये भी अपार्टमेंट तैयार हो जाएगा। और ये है इस नदी से जाती है गाड़ियाँ, गांव के जो भी लोग आते हैं इस नदी से, नदी को पार करके ऐसे नदी के रास्ते से, ऐसे ये पुल से ऐसे पीछे को ऐसे तमाम गाँव को जाते हैं। और देख सकते हैं आप, बहुत ही शाम का टाइम है, बहुत गजब का मौसम है और बहुत सुंदर शाम का जो दृश्य है ना, बहुत गजब लग रहा है। और गेहूँ के हरे हरे खेत में बहुत गजब लग रहा है। और ये लोग देखिए, महेश की दुकान है यहाँ पर और ये लोग यहाँ पे, स्कूटर वाला भी यहाँ, ये आजा भाई आजा आजा, ये आ रहा भाग के, ठीक है रे। तो दोस्तों मैं हूँ मच्छेसर शिव मंदिर के ठीक सामने पे जहाँ पर चल रहा पुल का काम, यहाँ पर मशीन भी खड़ी है, बहुत सारे यहाँ पर मजदूर भी हैं जो मजदूर अभी आ रहे हैं काम करके, देख सकते हैं वहाँ
जेसीबी मशीन खड़ी है और यहाँ पर जो ये अपार्टमेंट है ना, जो यहाँ पर अपार्टमेंट है ये नीचे, यहाँ पर खुदाई चल रही है क्योंकि वो अपार्टमेंट लगभग 2-4 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये अपार्टमेंट का काम शुरू होने वाला है, 2-4 दिन में इसमें खुदाई हो जाएगी और इसका काम शुरू हो जाएगा क्योंकि ये बहुत जल्दी ये पुल बन के तैयार होना है। और लोगों की दिक्कत भी बनी हुई थी लेकिन अब दिक्कत का तुरंत ही 2-4 महीने में निवारण हो जाएगा और ये काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तमाम काम यहाँ पर लगे हुए हैं जो धीरे धीरे पूरा हो रहे हैं। दोस्तों, दूसरे वाले अपार्टमेंट की खुदाई यहाँ तक हो गई है और इसमें आधा खोद दिया है नीचे। पहले इसमें साइड डेवलपमेंट नीचे जा रहा है, इसमें नीचे कंक्रीट और प्लम का काम हो रहा है, उसके बाद पीछे अपार्टमेंट इसमें बनेगा। यहाँ हमारे बलदा भी हैं और अभी डर गए थे, मैंने कहा डरो मत यार। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा खेत दिख रहे हैं ना आपको, बहुत गजब के खेत दिख रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही शाम का जो समय होता है ना, बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लग रहा पूरे जैसे पीछे दिख रहा है कि बादल ही बादल लगे, जैसे बारिश होने वाली हो, पर ऐसा है नहीं। आज मौसम दिख तो ठीक रहा है लेकिन ऊपर जो है पूरा आसमान में पूरे बादल ही बादल लगे हुए हैं और मेरे पीछे दिख रहे हैं खेत। बहुत ही सुंदर ये खेत ना, बहुत गजब के लगते हैं। इन खेतों को हम मिस करते हैं जब कहीं दूर जाते हैं दोस्तों, तो इन खेतों से जब हम एक आध महीना बाहर जाते हैं ना अपने सूट पर, तो इन खेतों की बहुत याद आती है, इस घाटी की बहुत याद आती है। तो बहुत अच्छा लगता है इस घाटी में, तो बहुत सुंदर घाटी है। आप देख सकते हो मेरे पीछे इन घाटी, इस घाटी के लहराते हुए गेहूँ के खेत, जौ के खेत और सरसों, लाई, तमाम चीज़ लोगों ने सब्जी भी यहाँ पर बो रखी है, ये तमाम चीज़ें। और लोग देखो ना खेतों से आ रहे हैं, महिलाएँ घास ले लेके नीचे को आ रहे हैं खेतों को, देखिए हरी घास ला रहे हैं, वो खेतों से जो खरपतवार को निकाल के घर के लिए ला रहे हैं और घर को काम आ रहा है। ये है हमारी महेश की दुकान। ये महेश हमारा लाला फूजी भाई है ये, और यहाँ बैठा होगा महेश। और बता महेश क्या हो रहे हो? और बढ़िया, राम राम, कैसे हैं? बढ़िया, अंदर ही बैठे हो? ये भी बहुत तपस्या करता है, बहुत मतलब दुकानदारी को दिल से करता है। ठीक है ठीक है, करना चाहिए। अच्छा चलिए, अच्छा चलो ठीक है। ये है इनका छोटा सा टी स्टॉल, यहाँ पर है राजू, ये यहाँ का मालिक है राजू। ये देखिए राजू को सौंप रखा पूरा है। राजू और बता कैसा चल रहा है, क्या क्या बना रखा आज? अच्छा मतलब दिन भर निकलता है, नहीं निकलता कुछ की खाली निकल रहा ना? चलिए ठीक है। हमारा राजू भाई है, ये बहुत गजब की चाय बनाता है, छोले चने बहुत मस्त बनाता है और ब्रेड पकौड़े तो इसके जवाब नहीं है। राजू बहुत बड़े, इसके हाथ में जो टेस्ट है ना बहुत बढ़िया है। कभी बंतोली इंटर कॉलेज की ओर अगर आएंगे तो यहाँ जो है महेश की दुकान है, महेश की दुकान के ठीक सामने चाय का खोखा इनका है, बहुत गजब की चाय मिलती है, जरूर चाय पी के जाइए यहाँ से। ठीक है, ये अभी जो है कह रहा वन रंग वन पेंशन का ही बनाओ बरा, ठीक है वन रंग वन पेंशन तो होनी ही होनी है। वो तो होगी फिर, वो होगी, वो तो चल ही रहा शायद। वो तो मैं कह रहा था ब्लॉक सूट, अब ये कह रहा है कि वन रैंक है, मैंने कहा वन रैंक वन पेंशन हमारे हाथ का तो भी, वो तो वही से चलेगा, वही वो लोग करेंगे, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ का है, हमारे हाथ का थोड़ी है। तो हम तो ब्लॉग शूट कर रहे हैं भाई अपना, हम आपको दिखा रहे हैं बाबू की बात, है ना? हम खाली देखे रहेंगे ये। बता बता और क्या बताना है, और क्या बताएं, वैसी है क्या बताएं, अभी हमारा तो कुछ सुनाई नहीं जा रहा, हम क्या बताएं। ये कह रहा हमारी कोई सुनवाई हो नहीं रही, करके हो जाएगी आपकी भी सुनवाई होगी, क्यों नहीं होगी, दिन कटाई हो रही है हमारी खाली इतना। अच्छा ये खिड़की से कौन देख रहा है? ये देखो दोस्तों चाय भी आ गई, चाय तो पीती मेरी, ये राजू मेरे लिए चाय भी ले आया ये, और ये लाला नहीं पीरा भाई तू मिल गया, चलिए आप मेरे को फोर्स कर रहे हैं चाय पी लेते हैं। और शाम का टाइम है दोस्तों, देख लिया होगा आपने बहुत, क्योंकि हम कहीं ऊपर सिंहपुर बिटारपुर तक गए थे पर वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं थे, चार्ज का प्रॉब्लम भी था, हो नहीं पाया। तो मैंने सोचा चलिए यहाँ आगे ही ब्लॉग बनाते हैं, तो हमने ब्लॉग बना लिया। और आजकल ये आ रहे हैं हमारे गाँव की महिलाएँ, देखो ऐसे लाते हैं, इतनी मजबूती से काम करते हैं, घर के लिए ला रहे हैं। खेल ऊंचाई में, खेल ऊंचाई में ढूंगा बल्दा है हमारी। आज ये कई कितने दिनों के बाद आ रहे हो?
मेरे को क्या 4-5 दिन हो गए। ये घर जब जाते हैं तो ये आते नहीं, इनका मन नहीं करता, इनको जबरदस्ती बुलाना पड़ता है अभी। मन क्या नहीं करता, और भी साइड में काम चल रहा, कभी यहाँ जाना पड़ता है, कभी वहाँ जाना पड़ता है, बिजी आत्मा है। क्या करो, 2 रोटी के लिए तड़पना पड़ता है ये। क्यों, बहुत सारी साइडें चल रही है इनकी और ये व्यस्त रहते हैं। बहुत बढ़िया है, मस्त भी है, मस्त रहते हैं। राजू कोई बात नहीं, हम पहले आदमी रह रहे, मस्त भी हम लोग आए। क्यों, चलो और बढ़िया हो रहा, जिंदगी खुश रहनी चाहिए। सही बात, कोई भाई कहीं भी खाए, सही सुख रहे, बस वही ऊपर वाले का आशीर्वाद रहे सभी भाइयों को हमारे को। उत्तराखंडी है जी जी, कहीं भी जाए उत्तराखंड का नाम आगे रहे। सही बात, ये हमारे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने दाढ़ी भी नहीं बनाई क्योंकि हमारे घर में कुछ ऐसे ही हो रहा है। हाँ दाजू, तो कल 10 दिन होने वाले हैं, कल हमारे जो है ये दाढ़ी वाड़ी बाल वाल सब उतर जाएंगे, और कल से तमाम जो हमारे घर में जो रीति रिवाज होती है, जिसे तेल का चलना, हल्दी और तमाम चीज़ें जो है शुरू हो जाएगा खाने का, क्योंकि 10 दिन तक नहीं होता, 10 दिन के बाद शुरू हो जाता। तो कल उतर जाएंगे, कल का ब्लॉग भी आपको दिखाएंगे, बहुत बेहतरीन ब्लॉग होगा कल का। दिखाएंगे घाट में कि किस तरीके से हमारा जो है पहाड़ी रीति रिवाज और अपनी संस्कृति, अपनी संस्कृति और धर्म से संबंधित जो भी कर्मकांड होते हैं वो दिखाने का आपको प्रयास करूँगा। कल एक छोटा सा ब्लॉग आपके लिए, बहुत सुंदर ब्लॉग आएगा, आप देखते रहिए और ब्लॉग का दोस्तों। तो दोस्तों ये है शाम का सुंदर नज़ारे और शाम के मौसम का जो है ऐतिहासिक पल आपको देखने को मिलेंगे, बहुत बेहतरीन। देखिए पूरे पीछे जो है ना, पूरी हरियाली है, पूरी हरियाली दिखेगी और पूरा पीछे पूरे गांव भी दिख रहे हैं आपको, और ऐसे चारों तरफ दिखा देते हैं आपको धीरे धीरे। ये है इस क्षेत्र के सुंदर नज़ारे, और ये इधर सामने है पोखरी गांव, बहुत बेहतरीन। ये देखिए, और मेरे पीछे ठीक यहाँ पर गाड़ी भी खड़ी है, ये सिलंगपुरी गांव है, और ये देखिए ये ऊपर है हॉस्पिटल, इधर है क्षेत्र का, बहुत सुंदर हॉस्पिटल है यहाँ पे, पूरी सुविधाएँ यहाँ पर हैं। दोस्तों आप धीरे धीरे निकलते हैं घर की ओर, क्योंकि टाइम भी हो गया है, और मिलते हैं आपको ऊपर। और सामने देखिए आग भी लगा दी ऊपर, यहाँ ये केड़ फूक गए हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय दोस्तों।